अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असम किसी टीवी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम अपने रैबिट्स को बनाना खिला सकते हैं, क्या यह रैबिट के लिए सेफ़ है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि रैबिट के लिए बनाना सेफ़ है या नहीं, अगर सेफ़ है तो कितनी क्वान्टिटी में खेलना चाहिए, अगर सेफ़ नहीं है तो क्यों नहीं है। तो बिना किसी देर के चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बनाना को कौन नहीं पसंद करता है, रैबिट भी पसंद करता है और बनाना रैबिट के लिए सेफ भी है। आप रैबिट को यह खिला भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इसका भी एक लिमिटेशन है, आप ज़्यादा मात्रा में रैबिट को बनाना नहीं खिला सकते हैं। इसमें विटामिन ज़्यादा मिलता है, खास करके विटामिन सी, और ढेर सारा नेचुरल शुगर भी पाया जाता है। इसलिए एज ए ट्रीट आप अपने रैबिट्स को खिला सकते हैं। बनाना रैबिट की वाट के हिसाब से खिलाना चाहिए। एक बनाना को तीन चार टुकड़े करके उसमें से एक टुकड़े आप रैबिट को खिला सकते हैं। रैबिट को हफ्ते में दो या तीन दिन ही आप अपने रैबिट्स को खिला सकते हैं, इससे ज़्यादा मत खिलाइए। रैबिट का हेल्थ खराब होगा, डेंटल डिजीज भी हो सकता है और पेट में कीड़े भी हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं हम दूसरा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहे, मस्त रहे, इस चैनल से जुड़े रहे। खुदा हाफिज़।